हाँ सतीश जी, जब से ऑफिस से निकले बस उसी कॉन्ट्रैक्टर से ही बात कर रहे हैं। अब जाके डील फाइनल हुई। ठीक है, आप पेपर्स बनवा दीजिएगा, हम साइन कर देंगे। काम के बीच में हम देव जी का लेटर तो पढ़ ही नहीं पाए। पायल जी, हम आपसे मिलना चाहते थे, लेकिन हमने आपकी माँ से प्रॉमिस किया है कि हम आपसे नहीं मिलेंगे, इसलिए ये लेटर लिख रहे हैं। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब हम आपसे पहली बार मिले, जब आपको हमने पहली बार देखा, तभी से हम आपको पसंद करने लगे थे और हमने अपने दिल की बात आपसे कही भी थी। ये बात अलग है कि वो परिस्थिति दूसरी थी, आज दूसरी है। हम वास्तव में आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि हमारे प्रति आपके दिल में क्या है। आपके मन में कोई शंका, कोई दुविधा या कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहती हैं पर कह नहीं पाई हैं, उस दुविधा को दूर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आपका देव। कहाँ पढ़ रही हो? कुछ नहीं माँ, वो काम का पेपर है। आप कहीं जा रही हैं? हाँ, हम वो वर्मा चाची के यहाँ जा रहे हैं, आते हैं अभी। हम आपको इसका जवाब जरूर भेजेंगे देव जी, वो भी लेटर में। हाँ बेटा, वो कल जो टेंडर भरे थे उसका नतीजा आने का कब का उम्मीद है? का? एक हफ्ता? अरे पगला गए हो का? चलो मुंह खोलो तो बेटा, लो। नहीं खाना। अरे मुझे भी नहीं खाना है। थोड़ा सा खा लो। नहीं, नटरू जैसा नौटंकी मत करो तुम लोग। नटरू? नटरू कौन है? नटरू कौन बताते हैं, लो ये वाला कौर खत्म करो। हाँ, नटरू है तुम्हारे दादाजी। और तुम्हारी दादी कौन है बेटा, बताएं? नहीं। बताएं दादी जी कौन है? दादी है तुम्हारी भक्तिन बिल्ली। और बुआ कौन है बताएं? बुआ है तुम्हारी चबराही बटेर। गुलकंद, ये का सब बकवास सिखा रही हो तुम बच्चा लोग को? ई लो, का गलत सिखा रहे हैं? जो समझते हैं वही सिखा रहे हैं। बोलो बेटा, नटरू कौन? दादाजी। चुप, एकदम से चुप हो जाओ, नहीं तो मारेंगे खिंचा के। ए, ये बच्चा सब पे काहे चिल्ला रहे हैं आप? हैं? इतना ही ज्यादा माँ बाप पे प्यार है तो चले काहे नहीं जाते? यहाँ काहे के लिए पड़े हुए हैं? गुलकंद, गुलकंद, ये आप क्या बोल रही हैं? देखो, गुलकंद नाम है हमारा। हमारा जो मन करता है हम वही करते हैं। हमको रोक टोक पसंद नहीं है, समझे? समझ गए। तुमसे बात करना और दीवार में सर मारना एक ही बात है। गुलकंद, ये आपने सही नहीं किया। देखिए भाभी, हम जानबूझ के किए, से ससुराल में पड़े हुए हैं तो इतना तो सुनना ही ना पड़ेगा। माँ? अरे तुझे पता कैसे चल जाता है कि हम आए हैं? और कौन है माँ जो हमारा इतना ख्याल रखेगा? बादाम वाला दूध लाए हैं तेरे लिए, पी लेना। पढ़ रहे हो? ए बेटा, खूब मन लगा के पढ़ो, तुम भी खूब बड़ा अफसर बन जाना। हाँ माँ, मेहनत तो कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं अब हमारी शादी होने वाली है, अब हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी,
और माँ, हम अब किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहते। हम चाहते हैं हमसे जितना बन पड़े हम घर में सहयोग कर सकें, खास करके अब जब भैया भाभी घर में नहीं है, हमारी जिम्मेदारियां तो बढ़ गई। बेटा, तू हमारा सबसे अच्छा वाला बच्चा है। अरे ये बेटा, डाक बाबू एक चिट्ठी दे गए हैं। किसकी है? अब पता नहीं, अब हम कहाँ जाने बेटा, अंग्रेजी में लिखा है और इतना अंग्रेजी हमको आता तो हम सर्विस न कर लेते। जी? ये बादाम वाला दूध पी लेना, भूल मत जाना पढ़ने के चक्कर। सतीश जी, सुंदरलाल, हमें सब अपने कैबिन में अभी चाहिए। क्या हुआ मैडम जी? हमारे जाने के बाद हमारे कैबिन में कोई हमारी चीजें छेड़छाड़ करता है क्या? कोई नहीं मैडम। ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें बहुत अच्छे से याद रहता है कि हम कौन सी चीज कहाँ रखते हैं, और अभी हमारा सारा सामान इधर उधर है। मैडम जी, साफ सफाई के दौरान इधर उधर हो जाती होगी फाइल। सतीश जी, सफाई में सामान इधर उधर होना और सामान को इधर उधर रखने में बहुत फर्क है। जो भी, अभी हमें बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है, लेकिन हम आने के बाद जरूर इस मुद्दे पे बात करेंगे। मैडम जी, ये लेटर हम आपको देना भूल गए थे। छेका का लिस्ट तैयार हो, ये देखो। हमको लगता है कि खाने के लिए हलवाई को बोल देना चाहिए और घर का सजावट के लिए टेंट वाले को। पान का पत्ता, नारियल, लाल कपड़ा, और सुनिए ना, देव जी के लिए एक सूट का कपड़ा और एक सोने का चेन भी लेना होगा। अरे इंदु जी, इतना तो हम जोड़े ही हैं कि अपने दामाद के लिए सोने का चेन और सूट का कपड़ा ले सकते। आपको ना हर बात पर ठिठोली सूझता है। आप इन सब चीजों की चिंता ना करें, हमारा काम भी चल पड़ा है। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आमदनी हम भी करने लगे। सुन लिए आप, हम कहे थे ना आपसे कि रजत का इस काम में मन लगेगा और वो जरूर अच्छा करेगा। भाई आप तो सही थी। अच्छा काम कीजिए, देखिए उनको जो देना है और विधि व्यवहार में जो चीजें लगेंगी उसका लिस्ट तो हो गया। अब पायल के लिए भी तो कुछ कपड़े खरीदने होंगे ना, तो उसके आते ही एक बार उसको लेके मार्केट चले जाइए। वहाँ एक नया दुकान खुला है सदर बाजार, न्यू दीपचंद फैशन के नाम से, वहां चलते हैं, बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। क्या बात है इंदु जी, कोई दिक्कत है क्या? हमको लगता है ना कि हम देव जी को पायल से मिलने जुलने के लिए मना कर दिए तो पायल हमसे नाराज हो गई है। रात को देर से आती है, सवेरे जल्दी चली जाती है, वो हमारी बात का बुरा मान गई है। इंदु जी, आप ऐसा क्यों सोचती? देखिए पायल कोई आम लड़की की तरह तो है नहीं कि जो किसी बात पे रूठ जाए और आपसे बात नहीं करे। देखिए वो एक जिम्मेदार गवर्नमेंट ऑफिसर है, हजारों काम पड़े रहते हैं उसके पास। आप इस तरह की चीजों को लेकर परेशान मत हो।
रजत, आज तुम पायल के दफ्तर चले जाओ और उसका खाना ले जाना बेटा, और वहीं रहना और उसको साथ लेकर आना। जी माम, चले जाएं। बहुत परेशान रहती है आजकल। हमारे और पायल के बीच भी बहुत टेंशन, आज मौका अच्छा, उससे बात करके ये टेंशन भी खत्म कर देंगे। देव जी, आपके लेटर को पढ़ के लगता है कि आप एक सरल और समझदार व्यक्ति हैं। हमें भी दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं, हमें सरल जिंदगी ही अच्छी लगती है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे उम्र की लड़कियों को दिखावा भव्यता और न जाने क्या क्या पसंद आता है, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं। आपके विचार, आपकी हर बात हमें अच्छी लगती है, और आप और ये लेटर देने का अंदाज भी। क्या हुआ, इसमें कहीं जोक नहीं है? हाँ नहीं है, लेकिन ये लेटर वाला रोमांस बहुत बढ़िया चल रहा है तुम्हारा। हाँ यार, लेकिन ये सब हमें बहुत अजीब लग रहा है। क्यों, अब क्या हो गया यार? हम और पायल जी इतने बड़े बंधन, इतने गहरे रिश्ते में जुड़ने जा रहे हैं। कहते हैं 7 जन्मों का रिश्ता होता है, और हमें कि अभी तक इस जन्म में एक गिफ्ट तक नहीं दिला पाए उन्हें। यार तुम इतना सीरियस होके बोल रहे हो, हम तो डर ही गए। गिफ्ट ही देने की बात है ना? हाँ यार, बात तो सिर्फ गिफ्ट ही की है, लेकिन साथ ही साथ उस एहसास की भी है ना जो हम पायल जी के लिए महसूस करते हैं। सो तो है, इसलिए आज हमने ठान लिया है, आज हम उनको गिफ्ट दे कर रहे हैं। लेकिन कैसे, तुम तो उनसे मिल ही नहीं सकते। वैसे ही जैसे लेटर उन तक जाते हैं, गिफ्ट हम उनके ऑफिस में छोड़ देंगे। वैसे भी पायल जी आजकल देर तक ऑफिस में काम करती हैं, और उनका प्यून हमारी मदद करता है, तो बस ये गिफ्ट भी उन तक पहुंच जाएगा। अच्छा जी, मतलब सारी सेटिंग है। सही है भाई, तो चलो। कहाँ? अरे बेवकूफ, गिफ्ट नहीं खरीदोगे क्या? अरे हाँ यार, चल 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 चल। अरे कहाँ गई वो फाइल? शायद बाहर होंगे, हम ही जाके ढूंढते हैं। सतीश जी, वो नदी वाले साइड की फाइल नहीं मिल रही है। हाँ मैडम, हम अभी ढूंढ कर लेकर आते हैं। जी यहाँ? हाय, जी जी जी, वो ना वो हम ना आपके लिए ये गिफ्ट लेकर आए थे। अच्छा, हम जाते हैं। आप ना आप कुछ भी ऐसा फील मत कीजिएगा,
ओके बाय। सुनिए तो, आप यहां तक आए हैं तो अंदर चलिए। पायल जी, हम यहाँ आए तो हैं लेकिन हम ना आपकी माँ की बात का आदर करते हैं। हम आपसे बिना मिले ही ये गिफ्ट यहाँ छोड़कर जाना चाहते थे लेकिन आप मिल गई। देखिए, आप यहाँ तक आए और यूं ही चले गए, अगर ये बात माँ को पता चली तो वो और नाराज हो जाएगी। आइए चाय पी लीजिए फिर चले जाइएगा। आइए। अब माफ कीजिएगा, आज बहुत काम था, हम अभी सब समेट देते हैं। दो कप चाय लाइए ना। जी मैडम। अब बैठिए ना। आप बाहर कुछ कह रहे थे ना? जी 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 जी, वो 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 आपके लिए ये लाए थे। थैंक यू, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? अब तो आप हमारी होने वाली पायल। यहाँ ये सब चल रहा है, घर पे सब परेशान है कि तुम अपने काम में बिजी हो। हम तुम्हारे लिए खाना लेके आए और तुम यहाँ ये सब कर रही हो? माँ पापा क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में और तुम ये कर रही हो? हम सब घर वालों को लगता है तुम कितना काम करती हो, लेकिन हमें दिख रहा है कितनी मेहनत हो रही है और क्या काम हो रहा है। देव जी, ये हमारी और हमारी बहन का मामला है, आप बीच में ना बोले तो अच्छा रहेगा। और तुम जो हम सोच भी नहीं सकते थे वो हम देख रहे हैं। तो घर वालों ने तुम्हें खुली छूट दी है किसी भी वक्त आने की जाने की, उसका तुम इस तरह गलत फायदा उठा रही? नहीं, आप जो समझ रहे हैं वो सही नहीं है। देव जी, यहां मैडम जी, वो जो फाइल आप पूछ रही थी ये है, इस पर आपका साइन चाहिए। साइन अभी चाहिए? जी मैडम, दरअसल सुबह ये कमिश्नर ऑफिस में ये फाइल भेजनी, नहीं तो नदी वाले काम की रिपोर्ट में देर हो जाएगी। ठीक है, आप फाइल लीजिए। जी मैडम। बहुत काम होगा, तुम हम यहाँ रहेंगे तो
डिस्टर्ब कर। भैया मैडम जी एक और। बहुत थक गए हैं आज। और कोई दिखाई नहीं दे रहा, बाकी सब कहाँ हैं? अरे भैया भाभी सोनू बंटी को लेके गए हैं सर्कस दिखा लीजिए। अच्छा तो भाई इतनी शांति है घर में। ये सब कहाँ है? लीजिए खुद ही देख लीजिए। टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, वॉच, का ये सब? ये सब हमारे भैया दिए थे दहेज, उसी का लिस्ट है। अरे तो इसका लिस्ट बनाने का जरूरत पड़ गया? काहे कि हमको ये सब सामान वापस चाहिए। का? लेकिन क्यों? काहे कि ये सब हमारे लिए दिया गया था, हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं और वो लोग वहाँ बैठ के चानी काट रहा है। फिर काहे छोड़े हम सामान अपना, हम लेके गए थे ना दहेज। गुलकंद ये सब का क्या मतलब और क्या फायदा होगा इससे? फायदा नुकसान से हमको कुछ लेना देना नहीं है, और मतलब है तभी हम ये सब कर रहे हैं। हम कल जाएंगे और जाके पूरा सामान लदवा के लेके आएंगे। गुलकंद हमको ये सब सामान नहीं चाहिए, वहाँ जाने का कोई जरूरत नहीं। अरे काहे जरूरत नहीं है, वो सब सामानवा फ्री में आया था का? गुलकंद ऐसी जगह जाने का क्या फायदा जहाँ बार बार तुम्हारा बेइज्जती हो? तुमको सामान चाहिए ना, हम कमा कर लाकर तुमको सारा सामान देंगे, लेकिन तुमको अपना बेइज्जती करवाने के लिए हम वहाँ नहीं जाने। देखिए हम जानते हैं कि आपसे हमारा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होता, और हम ये भी जानते हैं कि आप हमको एक एक सामान खरीद के ला के दे सकते, लेकिन फिर भी हम वहाँ कोई सामान नहीं छोड़े। और हाँ कह देते इस बार अगर आपका नटरू बाप बीच में आया ना, उसका सारा हेकड़ी निकाल के धर देंगे पिछवाड़े। अरे तुम का? देखिए ज्यादा मत बोलिए, हम जाएंगे तो जाएंगे बस। पापा ये देखिए हमारी ड्रेस कैसा है। बेटा बहुत बढ़िया है। क्या नाटक लगा रखी हो, क्या कपड़ा पहनकर दिखा रही? माँ हम दीदी की सगाई में यही वाली ड्रेस पहनने वाले हैं। सगाई दीदी का है, तुमको इतना सजने सवरने का जरूरत नहीं है, कोई हल्का सा सूट पहनना। अरे इंदु जी क्यों मना कर रही हैं उसको, आप पहने दीजिए ना, आखिर उसकी दीदी की सगाई है भाई। आप समझते नहीं हैं, ये लड़की बहुत चालबाज है, अभी से इतना भारी कपड़ा पहनी है और शादी का विधि व्यवहार में इससे भी भारी कपड़ा मांगेगी, हम का जानते नहीं है इसको। ओ अच्छा। माँ आप तो अंतर्यामी है, सब कुछ झट से जान जाती है। हाँ बेटा काहे कि तुम्हारी माँ है ना, तुम्हारा रग रग से वाकिफ है, सब खेल समझते हैं तुम्हारा। हल्का पानी लाना। बेटा खाई पायल खाना, क्या हुआ बहुत बिजी थी का, अभी काम खत्म नहीं हुआ था उसका?